तो हेलो गाइस, मैं की जसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे एजी सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का आपको बटन दिख जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में एक बेल आइकन भी दिख जाएगा, आपको उसे भी प्रेस कर लेना है हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइज, हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर और आज मैं बताता हूँ आपको बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। और दोस्तों, इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है और जो प्रॉफिट है बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप पूरा देखना, मैं फुल इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मशीन की कॉस्ट ओनली आपको 27,000 रुपए जो है मशीन की कॉस्ट लगेगी। इससे कम में भी बहुत सारी मशीनें आती हैं, लेकिन जो बेहतरीन मशीनें हैं, मैंने सर्च करके रिसर्च करके आपके लिए ये मशीन जो है लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मशीन ओनली 27,000 रुपए की है जिससे कि आपको काम करना है। दोस्तों, मैं आज बेसिकली इस बिजनेस के बारे में बात करना हूँ, जो स्टैम्प यानी कि मोहर का बिजनेस होता है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा चलता है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन काम कैसे करती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉफिट और लागत हर एक चीज कैसे होगा। तो दोस्तों, ये मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है। जो भी आपने प्रिंट किया होगा, जो आपका लोगो होगा, सिंपली यहाँ के बीच में रखना है और उसके बाद ये जो रबड़ होता है, रबड़ इसके ऊपर रखना है जिसपे मोहर प्रिंट करता है। उसके बाद इसे जो मशीन को यहाँ पे ये जो ऊपर लगाते हैं दबाव के लिए जाना है, वो दबा रहे अच्छी तरीके से प्रिंट होने के लिए। फिर इसके ऊपर से हम ढक्कन लगाते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ढक्कन लगाते हुए। ये मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वर्किंग में है। तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से ढक्कन लगा के इसे कस देते हैं जाना, वो जो रबड़ होता है नीचे बिल्कुल प्रिंट पे जहाँ स्कैनर मशीन होती है उस तरीके से पूरा वहाँ पे दब जाए। उसके बाद हम यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से टाइट करते हैं जो कि अच्छे तरीके से वो प्रिंट कर सके, जो भी हमने वहाँ पे प्लेट पे रखा था डिज़ाइन बनाने की। उसके बाद इसे हम पूरा पैक कर देते हैं और यहाँ पे जो नंबरिंग है इसे यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्ट जो होता है लिखा हुआ है, स्टार्टिंग यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग के स्टार्ट पे क्लिक करके हम 3 नंबर पे, यहाँ पे आपको इसके साथ एक किताब मिलेगी कौन सा कितने नंबर पे रखना है फ्लैशिंग करने के लिए। तो वहाँ पे वो किताब आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कितने सेकंड में होगा फ्लैशिंग करेगा, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 3 रखा था जो कि 0 हो गया, इसका मतलब जो हमारी फ्लैशिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, वो बन चुका है रबड़ में। तो हम इसे खोल के अब निकाल के दिखाते हैं प्रिंट को कि किस हिसाब से जो है डिज़ाइन हुआ है। और इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह है सारा कुछ आपको मिल जाता है बहुत आसानी से, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रबड़ के पास जो ऊपर देखिए अंदर एकदम प्रिंट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा जो लोगो होता है, या प्रिंट कर सकते हो आप लोगो को डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है, आप कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, आगे मैंने बताया है, आप पूरा वीडियो आगे तक ध्यान से देखिए। उसके बाद इसमें 2 चीज़ें आती हैं, आप या तो इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा इस तरीके से इसे इंक में डुबा लेना है, वरना इसका बॉक्स मिलता है वो भी मिल जाएगा आपको। उस बॉक्स में डालने के बाद ऊपर से जो है इसका जो इंक होती है वो इसमें इनपुट कर लेते हैं। उसके बाद इंक ऐसे भी डाल सकते हैं या ना उसमें डाल के, या फिर और भी 2-3 तरीके ऐसे आते हैं कि इसे आप रबड़ में डाल के इंक पोर्ट में लगा लगा के फिर जो है मोहर लगा सकते हैं, वरना इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसमें 3-4 तरीके आते हैं। अब आगे इसे ऐसे करने के बाद में इसमें पूरा जो है स्टैम्पिंग इस तरीके से होगी, आप देख सकते हो पूरा जो है फर्स्ट क्लास स्टैम्पिंग जो है हो रही है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें काम कर सकते हो, बना सकते हो इस मशीन से अलग अलग टाइप की मोहरें। तो गाइज, आप सभी ने देख लिया होगा कि इस मशीन जो है काम कैसे कर सकती है, कैसे आप इसमें स्टैम्प बनाते हैं और ये सब सारी चीजें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये मशीन आपको कहाँ से लेनी है। तो मशीन डायरेक्टली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर लेना है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मशीन है ये अमेजोन पे अवेलेबल है। तो अमेजोन का जो है लिंक जो है डायरेक्टली लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे यानी कि इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ जो ये मशीन की कीमत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,500 रुपये है, ठीक है। तो मशीन पूरी इसी तरीके से ये डिज़ाइन की गई है आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो इसके बारे में, फुल डिटेल्स इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये मशीन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है 17,500 की। इसमें 2 कैटेगरी की मशीन आती है, यहाँ पे जो है ये मशीन 27,000 की है, ये भी सेम ही है लेकिन वो 17,000 की है और ये 27,000 की है, आप देख सकते हो इतना डिफरेंट है। तो यहाँ पे जाके आप अलग यहाँ पे देख सकते हो, जो सबसे सस्ती मशीन यही थी तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है
17,000 रुपये, ठीक है। और उसमें एक और भी है यहाँ पे देखिए 27,000 की। अब मैं बात करता हूँ कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, तो जो इसमें दो तीन चीज़ लगती है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाली जो आपको दिख रहा होगा 1,090 रुपये की, यहाँ पर ये प्लेटें होती हैं जो उसमें लगेंगी, यानी कि जो पन्नी रखते हुए अभी आपने आगे वीडियो में देखा होगा जहाँ पर डिजाइन करके छाप के वो रखते हैं, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंक भी लगता है, तो यहाँ पे इंक भी जाके परचेज कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग कलर का ये ब्लैक येलो सारे कलर्स लगभग यहाँ पे सारे कलर्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पीसीबी होता है वो भी सारी यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से सारा कुछ यहाँ पे मिल सकता है, तो वो भी आप यहीं से चीज़ें वो परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक बड़ा इंक मिलता है, छोटे इंक्स मिलते हैं, जिस हिसाब से आप चाहो जिस हिसाब के आपका काम लगे वो कर सकते हो। और डिज़ाइन करने की बात रही तो डिज़ाइन मैंने आगे बताया हुआ कि आपको डिज़ाइन कैसे करना है, कहाँ से करना है, जो मोहर की डिज़ाइनिंग अलग अलग होता है आपको करना है, किसी से करवाना, फुल डिटेल मैंने आगे दे रखा है वीडियो में, तो आप आगे पूरा बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तभी आपके पूरा समझ में आएगा। तो आगे वीडियो की ओर देखते रहिए, और अगर आपको इसे परचेज करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ये चीज़ें जो मशीन आपको दिख रही है ये यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि मशीन कैसे परचेज करना है और इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको सारी चीजें आपने देखा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं इसमें आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है, काम कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको अपने आसपास के आप देखते होंगे कि आजकल स्टैम्प जो यानी कि मोहर का काम हर जगह लगता है, यानी कि कोई ऑफिस। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ काम लगता है और कैसे इसमें आप बिजनेस ज्यादा ज्यादा करके बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आजकल आप सभी लोग देखते होंगे कि ऑफिस में, स्कूल में या कंपनियों में या जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेसमैन, हर किसी को मोहर की जरूरत पड़ती है। या फिर ऐसे स्कूलों में बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप फनी मोहर से ऐसी चीजें छाप छाप के अपने पेपर्स में लेके आओ, तो मोहर का जो है काम बहुत ही ज्यादा लगता है। तो इसी हिसाब से अगर आप लेटेस्ट की सारी जो है सारी जगहों पे जाते हैं, यानी कि ऑफिस, कॉलेज, दुकान या फिर आसपास में अपने जितने भी कॉलेज या मार्केट या फैक्ट्रियां या कंपनियां होंगे, अगर आप उन सबसे कॉन्टेक्ट करते हो, बोलते हो कि मैं मोहर बनाता हूं और आप सभी के लिए बेहतरीन मोहर में बना के आप सभी को दे सकता हूं, तो दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अपने पास आप 10-15 सैंपल्स रख लीजिए बना के, जो कि आप कहीं पे भी जाए तो उनको दिखा दीजिए कि मैं इस तरीके से आप मतलब बनाता हूँ। और आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे आप काम करते हो, और जो भी आप जिसके पास जाइए अपना विजिटिंग कार्ड या फोन नंबर दे दीजिए, अगर किसी को भी मोहर की बनवाने की जरूरत होगी तो डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और आप उनसे अच्छा से अच्छा मोहर जो है बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। खासकर दोस्तों स्कूल कॉलेज में बहुत ही ज्यादा इन चीजों का जरूरत लगता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जितने भी आसपास में जितने स्कूल कॉलेज हों उनके पास जाइए और उन सबसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और उनसे उनका काम लीजिए और आप मोहर बना के दीजिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट 100% ज्यादा होने लग जाए। तो इसी हिसाब से आप अपने आसपास के कॉलेज, स्कूल या कंपनियों में जा जाके अपना काम पकड़ के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो मैं बात करता हूँ लागत की, लागत बहुत ही ज्यादा कम लगता है आपको। अमेजोन से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि रबड़ हो गया इसका और जो कार्ड हो गया, बहुत सारी सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट वहां से मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप जो है इसे छपाई जो है आपके पास या कॉरल ड्रॉ या फोटोशॉप ऐसी कोई भी चीज, जैसे कि आप सभी को कंप्यूटर चलाना आता होगा, अगर आपको आता है तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है दोस्तों, आपको ज्यादा दूसरी जगह पे ये मोहर का जो लोगो या फिर जो डिजाइन होती है वो छपवाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जो है आप इसे छाप सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो भी आपके आसपास में कंप्यूटर या डिजाइनिंग का शॉप हो डायरेक्टली आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, उनसे बोलिए कि मैं ये जो है होलसेलिंग में मतलब मोहर बना के काम करता हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कम कॉस्ट में आप जो है डिजाइन बना के दीजिए, मैं आप ही से आगे सारी जो है डिजाइन बनवाऊंगा, तो इस हिसाब से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास, अगर आप चाहो तो कंप्यूटर सीख भी सकते हो और वहां से जो है डिजाइनिंग करना सीख सकते हो, मोहर की अलग अलग बहुत सारी ऐसी डिजाइन आती हैं जो कि आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप वहां से सीख के भी इसका काम कर सकते हो तो आपको डिजाइनिंग का जो जितना भी खर्चा होगा वो बच जाएगा। यानी कि अगर एक मोहर आप डायरेक्टली 50 से 60 यानी कि एक मोहर आप डायरेक्टली 50 से 60 रुपए में बना लेते हैं, तो आपकी जो मोहर अगर आप एक स्कूल या कॉलेज में देते हैं तो 150 या 200 के बीच में एक मोहर जो आप दे सकते हैं।
तो इस हिसाब से सारा बिजनेस इसमें होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप पूरा समझ में आ गया होगा आपको ये बिजनेस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली हमारे कमेंट बॉक्स में मैं आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।